दोस्तों, खबर दुखद है। केदारनाथ फिर से आपदाई है। करीबन 2,500 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और 1,300 से 1,400 लोगों के और फंसे होने की संभावना है। मोटे मोटे आंकड़े ये सामने है। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। इस बीच कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा जा रही थी, जो आज शाम तक या कल तक केदारनाथ पहुंचने वाली थी, लेकिन अंतिम पड़ाव से पूर्व उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी आपदा आ गई है। 50 से, जो अंदाजा मोटे तौर पर आ रहा है, 50 फीट से अधिक जो एरिया पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पैदल मार्ग है गौरीकुंड से आगे का, और लिंचोली समेत कई स्थानों पर लोग फंसे हुए हैं। इस बीच इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बयान दिया है कि कांग्रेस आसमान पर थूकने जैसा कुछ काम कर रही थी, जिसे भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया गया। निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है, भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है। तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा कि इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि देश भर के श्रद्धालु वहां हैं, वहां जा रहे थे। सिर्फ कांग्रेस नहीं, देश भर के लिए वो आपदाई है। के अलावा घनसाली में आपदाई है, उत्तराखंड में 13 से अधिक लोगों की अब तक की मौत की पुष्टि भी है आपदा में। अलग अलग स्थानों पर, घनसाली में, कुमाऊं में, हरिद्वार में 4 लोगों की भी है, टिहरी में 3 लोगों की भी है। और ये आंकड़ा जब एक्चुअल आएगा रेस्क्यू के बाद, तो मालूम चलेगा कि मृत्यु हुई है, क्या क्या हुई है, चिनूक हेलीकॉप्टर नाम चीज लगी है। और कांग्रेस ने बीजेपी के इस बयान को शर्मिंदगी भरा बताया है। और घटिया बयान है विनोद सोयाल से, इससे ज्यादा की मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। विनोद सोयाल ने एक तो कांग्रेस पर आसमान में थूकने का आरोप लगाया है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस में थूकने आसमान में थूकने के समान है, और दूसरा उन्होंने कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेसी उनके दर्शन करें, क्योंकि इनका मन साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आपदा ला दी। तो इसका मतलब ये जो तमाम लोग मर रहे हैं आपदा में, बादल फटने की खबर आ रही है, केदार घाटी में जगह जगह मार्ग जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए, तो सुयाल जी इस बात पर ताली बजा रहे हैं घर में बैठकर या कार्यालय में बैठकर कि कांग्रेसी जो है दर्शन नहीं कर पाए। बाबा केदार का जो दरबार है वो सबके लिए एक समान है, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं बाबा केदार, तो उनके लिए कोई कांग्रेसी कोई भाजपाई नहीं है। और ये बात कहने की हिम्मत क्या भाजपा प्रवक्ता उन तमाम श्रद्धालुओं से कर पाएंगे जो 2,000 से अधिक श्रद्धालु सोनप्रयाग पर फंसे हुए हैं? ये तमाम बातें क्या हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा या वायनाड में आ रही आपदा के लिए भी यही लागू होंगी? तो कहीं ना कहीं जो संकीर्ण सोच के, संकीर्ण मानसिकता के, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी सोच सिर्फ यहीं तक जाती है। इस आपदा में भी वो कांग्रेस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूरी बात समझिए, लेकिन ये अपडेट्स हैं अभी तक के। कुछ देर में कुछ आपको और अपडेट देते हैं।